आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। आपसी संबंध बढ़ाने और धार्मिक कट्टरता को खत्म करने के मकसद से दिल्ली के इस्लामिक कल्चरल सेंटर में भारत इंडोनेशिया के उलमाओं की कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें भारत और इंडोनेशिया के रिश्तों को मजबूत करने और इस्लाम की सही तस्वीर पेश करने पर जोर दिया गया। इस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल और इंडोनेशिया के उप प्रधानमंत्री मोहम्मद महफूद MD शामिल हुए। इस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता दोनों देश सुरक्षा सलाहकारों ने की। भारत और इंडोनेशिया के बीच आपसी संबंध को और मजबूत बनाने के लिए आज इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में एक प्रोग्राम रखा गया। इस प्रोग्राम की अध्यक्षता भारत की तरफ से जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोवाल ने की, वहीं दूसरी तरफ जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इंडोनेशिया हैं डॉक्टर महफूद MD उन्होंने शिरकत की। दोनों देशों के बीच में एक टॉक हुई है, उन सब चीज़ों को लेकर कई सारी चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं कि भारत और इंडोनेशिया के बीच जो आपसी संबंध को किस तरीके से बेहतर बनाया जा सके। आपसी इत्तेहाद और हिंदुस्तान इंडोनेशिया के दरमियान भाईचारे को फरोग देने के मकसद से दिल्ली के इंडिया इस्लामिक सेंटर में बैनुल महजिब अमन और सामाजिक तौर पर अमन कायम करने में उलेमाओं का किरदार के तहत एक कॉन्फ्रेंस हुई। कॉन्फ्रेंस में NSA अजीत डोभाल और इंडोनेशिया के उप प्रधानमंत्री मोहम्मद महफूद MD ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। कॉन्फ्रेंस में मुल्क के बड़े मुस्लिम दानिश्वर तबका भी मौजूद रहा। इस दौरान NSA अजीत डोभाल ने कहा कि इंडोनेशिया और भारत की तारीख बहुत मजबूत रही है, ये दौरा हमारे रिलेशन को और ज्यादा मजबूत करने के मकसद में रहेगा। दोनों देशों के ताल्लुकात 14वीं शताब्दी से रहे हैं। अजीत डोभाल ने कहा कि 5 लाख से ज्यादा लोग इंडिया के बाली जाते हैं, वहां के मंदिरों में जाते हैं। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश है, इसके बावजूद भी वहां के लोग अपनी रवायतों को नहीं भूले हैं। डोभाल ने कहा कि इस्लाम शांति का मजहब है, जो कहता है कि एक इंसान का कत्ल सारी इंसानियत के कत्ल के बराबर है, लेकिन ISIS जैसे संगठन के आतंक को रोकने के लिए सभी का कोऑपरेशन जरूरी है। डोभाल ने हेट स्पीच को लेकर भी बड़ी बात कही। डोभाल ने कहा कि हेट स्पीच से न सिर्फ देश का नुकसान हो रहा है, बल्कि आपसी भाईचारे के बीच दूरियां भी बढ़ती हैं, जिस पर रोक लगाना बेहद जरूरी है। सलामत पगी दान सलामत ताटिंग अदी इंडिया। I welcome all of you to India, a land which believes in the precepts of Vasudhaiv Kutumbakam, the world is one family. I also welcome all of you to Delhi, a city whose heritage reflects the full range of India's traditions of unity in diversity, religious tolerance and interfaith harmony. Before I go further, I want to say how saddened we all feel by the loss of precious lives and damaged property from the recent earthquake in Indonesia. Our deepest condolences to the victims and their families. We wish a speedy recovery to the injured. India stands with Indonesia in this hour of grief. Ladies and gentlemen, I fondly recall my visit to Indonesia in March this year and my interaction with His Excellency Minister Mahfud. I was happy when Minister Mahfud accepted my invitation to visit India later this year. Excellency, it is an honor to host you and your delegation in India. We take pride in our relations with Indonesia, which has been elevated to a comprehensive strategic partnership in recent years. Against the backdrop of tectonic shift in the global order, India and Indonesia, given their rich history, diversity, shared traditions, and increasing bilateralism, have the potential to enhance prospects of peace, regional cooperation, and prosperity in Asia. Our economic and defense engagements are also progressing rapidly for the greater good
of our shared neighborhood. Your visit today is a very important milestone in our emerging and promising relationship. I would also like to place on record my appreciation to Mr. Sirajuddin Qureshi, President of the India Islamic Cultural Center, for organizing this dialogue today. Excellency, India is an important partner. Indonesia is an important partner in India's extended neighborhood. And our two countries share many complementarities. We have had vast and extended cultural, economic, and spiritual contacts for 1600 years up to the 14th century. These contacts showed us the value of openness, engagement, and respect for diversity. In the 7th century, India's Malabar coast became the meeting point for Arab and Indonesian traders, from where they transmitted Islam to Southeast Asia. It is said that Jawis from Indonesia had great influence in trade in Calicut. Similarities have also been found in the early Muslim settlements of peninsular India and Indonesia. The Cholas too had extensive trade and cultural contacts between India and Indonesia. Excellency, we are both flourishing democracies in the Indo-Pacific region. The waters that lap the shores of Indonesia also lap our shores. We have historical and cultural linkages and extensive people-to-people ties. वहीं इंडोनेशिया के उप प्रधानमंत्री मोहम्मद महफूद एमडी ने कहा कि इस कॉन्फ्रेंस का आइडिया मेरे दोस्त अजीत डोवाल का था। मैं उलेमाओं के डेलीगेशन को लेकर यहाँ आया हूँ। हमारा संकल्प ये है कि इस्लामिक रूल्स को फॉलो करना है और इंडोनेशिया की अखंडता बरकरार रखनी है, लेकिन हमें कई चैलेंजेस का सामना करना है, जैसे कि गरीबी, एनवायरमेंट, खाने की कमी। 1000 से ज्यादा टापू, 100 से ज्यादा भाषाएं हैं। विविधता हमारी ताकत है, कमजोरी नहीं। सामाजिक सद्भावना के लिए उलेमा का रोल बड़ा अहम है। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है हम सामाजिक सद्भावना समेत अपने ताल्लुकात को भी आगे बढ़ाने के लिए लगातार कोशिश करते रहेंगे। इन द नेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव लॉस इंडोनेशिया इज अ प्लुरलिस्टिक इन मेनी वेज बट इट्स पीपल आर बाउंड by the state ideology, Pancasila. Pancasila is the five basic principles of the state of the Republic of Indonesia, namely, belief in God, humanity, unity, democracy, and social justice. As a very pluralistic nation, we have many differences and challenges are there. However, we have learned that a tolerant and democratic Indonesia allows the differences and diversity to strengthen the unity, not weaken it. Hence, there is our national motto, Bhinneka Tunggal Ika, which means unity in diversity. Ulama and leaders of other faith have been playing their role and contributing immensely for fostering a culture of interfaith peace and social harmony in Indonesia. We live in peaceful coexistence that rejects intolerance and discrimination. In fact, the ulama and other religious leaders have been crucial parts of Indonesia's harmonious society since the beginning of Indonesia's history, from the time of the struggle to gain freedom from colonial powers until... भारत और इंडोनेशिया के दरमियान ताल्लुकात बेहतर रहे हैं। पिछले दिनों ही पीएम मोदी ने भी इंडोनेशिया के दौरा किया, लिहाजा दोनों मुल्क अब बढ़ती कट्टरता को खत्म करने और आपसी सद्भाव को बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं। मेरे साथ इस वक्त पद्मश्री प्रोफेसर अख्तरुल वासे साहब मौजूद हैं। सर, कितना अहम हो जाता है दोनों देशों के बीच का ये डायलॉग
और आने वाले दिनों में किस तरीके के फ़ायदे हो सकते हैं, और जिस तरीके से इस्लामिक चीज़ों को या उसके कहते हैं कि उन सब तरीक़ों से अलग हट के जो वाद विवाद होते हैं उनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, हम जिस ज़माने में जी रहे हैं ये न मुजादले का ज़माना है न मुनाज़रे का, ये मुकालमे का ज़माना है। और बुनियादी तौर पे आज जो शुरुआत एक हुई है जिसकी के जिस पता चला के जिसकी बुनियाद मार्च में इंडोनेशिया में रख दी गई थी जब हमारे NSA वहाँ गए थे, और जो क्या मैं मिनिस्टर हैं जो आए हैं यहाँ पर वो उनसे मुलाकात हुई थी और उनसे बातचीत हुई थी, उसके नतीजे में आज यहाँ ये डायलॉग हो रहा है। इस डायलॉग का मकसद जो है वो ये है कि मज़हब को बुनियादी तौर पे कोई मज़हब हो हमें तोड़ने के लिए लोगों को नहीं जोड़ने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। और मुझे खुशी है कि हमारे NSA ने ये बात खुल के कही कि नफ़रत और हेट स्पीच नहीं होनी चाहिए। ये बड़ी बात है, ये एक मैसेज है जो इस कॉन्फ्रेंस से जा रहा है, जो एक माहौल बनाने के हिंदुस्तान की भी अगर हम बात करें जिस तरीके से हेट स्पीचेस और इस तरीके की चीज़ें होती हैं उनसे कहीं ना कहीं नुकसान है। तो ये बात वो किसके लिए कह रहे थे? वो उन्हीं के लिए कह रहे थे, इंडोनेशिया के लिए तो सीधा मैसेज है नहीं, तो ये बिल्कुल यही है। और ये एक तरह से एक मैसेज है जिसको की कदर होनी चाहिए और जिसकी सताइश होनी चाहिए और जिसकी ताइद होनी चाहिए, क्योंकि वजह ये है कि देखिए इस मुल्क की तरक्की जो है वो जब ही मुमकिन है जबकि सब लोग मिलके इकट्ठे होके इस मुल्क के लिए काम करेंगे। इस मुल्क में नफ़रत फैलाने का काम करेंगे तो मुल्क कमज़ोर होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो जाहिर सी बात है इस तरीके के अगर डायलॉग्स होते हैं तो आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं इसका असर भी देखने को मिल सकता है। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने मंच से साफ कर दिया कि हेट स्पीच हो या इस तरीके की चीज़ें हैं वो मुल्क में कहीं ना कहीं अमन और भाईचारे पर एक विराम लगाने की कोशिश कर रही हैं जो आने वाले दिनों में खतरनाक साबित हो सकती हैं, जिसका कोई फ़ायदा मुल्क को फिलहाल मिलता नज़र नहीं आ रहा है, फिलहाल नुकसान ही होगा। मेरे साथ इस वक्त एसम खान साहब मौजूद हैं, मुस्लिम स्पिरिचुअल हैं। सर, इंडिया और इंडोनेशिया के बीच की इस टॉक को आपकी नज़र में कितनी अहमियत आप देते हैं और इससे आने वाले दिनों में दोनों देशों को क्या फ़ायदा नज़र आता है किस तरीके से, और ख़ासकर मुस्लिम कम्युनिटी की अगर हम बात करें तो कितना फ़र्क है कि इंडिया और इंडोनेशिया दो ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत सब्सटेंशियल है। इंडोनेशिया इज़ द लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन कंट्री एंड इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन जो है, तो दोनों मिलाकर तकरीबन 45 करोड़ मुस्लिम्स इन दोनों कंट्रीज़ में रहते हैं। तो आइडिया ये है इस प्रोग्राम का और इस डिस्कशन का कि इंटरफेथ कम्युनल हारमोनी डायलॉग होना चाहिए बिटवीन द वर्ल्ड कम्युनिटीज़, जिसमें ये दोनों कंट्रीज़ इंडोनेशिया एंड इंडिया शुड प्ले ए मेजर पार्ट टू फॉस्टर कम्युनल हारमोनी एंड इंटरफेथ इंटरेक्शन एंड कंसिस्टेंट डायलॉग। इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर का भी जो एक ऑब्जेक्टिव है, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ ICC इज़ टू फॉस्टर कम्युनल हारमोनी, नेशनल इंटीग्रेशन एंड इंटरफेथ डायलॉग। तो उसी कॉन्टिन्यूएशन में ये डायलॉग इंडिया और इंडोनेशिया का आज इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में ऑर्गेनाइज किया गया। इट इज़ अटेंडेड बाई उलेमास फ्रॉम बोथ द कंट्रीज़। ए वेरी बिग डेलीगेशन हैज़ कम फ्रॉम इंडोनेशिया लेड बाई द ऑनरेबल मिनिस्टर एंड आई होप दैट दिस विल कंटिन्यू इन फ्यूचर ऑल्सो। दिस ईयर द चेयरमैनशिप ऑफ G20 हैज़ बीन पास्ड ऑन टू इंडिया फ्रॉम इंडोनेशिया, and side by side with G20 there was R20 also in Jakarta, where the religious leaders of all those 20 countries who are members of G20 also met and interacted with on the same topic. देखिए, हमारी जो एकता है और जो इस्लामिक कंट्रीज हैं इसमें इंडोनेशिया एक ऐसा है जहाँ हमारे हिंदू देवी देवताओं के मंदिर भी हैं, वहाँ रामायण भी है, गरुड़ है। ये जब हम प्रचार करते हैं, जब लोग दूसरे देखते हैं कि इसमें इंडोनेशिया में गरुड़ भी है, दूसरे स्वामी है, साधु संतों की भी इज्जत होती है, मजमुओं की होती है, हमारे देवी देवताओं की फ़ोटो भी है मंदिर, तो एक अच्छा पैगाम जाता है। तो उसके लिए हिंदुस्तान को भी फ़ायदा है, जहाँ प्यार होगा वहाँ हिंदुस्तान का नाम होगा। तो हिंदुस्तान प्रेम की बात करता है, इस हमारा जो कल्चर है सनातन धर्म वो प्रेम बाँटता है, और उसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं सबको कि जो कुरैशी जी ने यहाँ रखा प्रोग्राम, ये इंडो
इंडोनेशिया इंडिया इंडोनेशिया बहुत अच्छा है। जहाँ तक उन तीन इस्तिलाहत का ताल्लुक है जो आपने इनका इस्तेमाल किया, एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म का, ख़ास तौर से ये किसी के भी हक में नहीं है और ये दो चीज़ें किसी का भी भला नहीं कर रही हैं। और इससे सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुँचा है वो इस्लाम को और मुसलमानों को और मुस्लिम माशरे को पहुँचा है। लिहाजा ये ज़रूरी है कि मुसलमान मिन हैसुल कौम मिन हैसुल मिल्लत दीगर जो मज़ाहिब हैं उन मज़ाहिब के साथ में अपने राब्तों को बढ़ाए, अपने मुकालमे को बढ़ाए, अपनी गुफ्तगू बढ़ाए, एंगेज करे उनके साथ में और उनको भी समझे और अपनी चीज़ों को भी समझाने की कोशिश करें। क्योंकि जब डायलॉग की ज़मीन बनती है, गुफ्तगू की ज़मीन बनती है, तो बहुत सी बदगुमानियाँ और बहुत सी गलतफहमियाँ दूर होती हैं। ये आज की जो कोशिश है इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में, इसमें इंडोनेशिया और इंडिया दोनों के जय्यद उलमा शामिल हो रहे हैं। देखिए, उलमा का किरदार मुस्लिम माशरे में कलीदी है, की रोल है उनका एक, और वो रोल ये है कि हमारे जो अवाम हैं वो जिस शिद्दत के साथ और जिस इज़्ज़त और एहतराम के साथ उलमा की बात को सुनते हैं और जितना उसका असर लेते हैं, कोई भी दूसरा तबका वहाँ तक नहीं पहुँच पाता। मेरे साथ इस वक्त इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के प्रेसिडेंट सिराजुद्दीन कुरैशी साहब हैं। बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि दो मुल्कों को लेकर जिस तरीके से आपसी भाईचारे को लेकर एक प्रोग्राम किया गया, क्या कुछ ख़ास है उसमें और इसको किस तरीके से देखते हैं सिया साहब, किस तरीके से देखते हैं दो मुल्कों में इस तरीके से आपसी भाईचारा इत्तेहाद पैदा करने के लिए होता है। दोनों कंट्री के NSA और थे हमारे अजीत डोवाल साहब थे और इंडोनेशिया के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वो भी मौजूद है। आपको क्या लगता है कि इन सब चीज़ों से आने वाले वक्त में जो सूरत हाल है वो बदलेंगी, उन पर असर पड़ेगा? बिल्कुल पढ़ना चाहिए। देखिए, जब दो ममालिक आपस में बैठ के मिलते हैं और के दो ममालिक भी आपको मालूम है कि जहाँ उनकी अगर ख़ास और मुसलमानों को लिया जाए वहाँ पे वो नंबर वन पे हैं, हम नंबर तीन पे हैं, तो अगर इसको भी लिया जाए तो अगर दोनों को मिला दिया जाए तो एक बहुत बड़ी तादाद जो है मुसलमानों की होती है। लेकिन क्या है कि असल मकसद क्या है एक दूसरे के साथ मिलने का, बैठने का, डायलॉग्स का, कॉन्फ्रेंस का, मीटिंग का, वो ये है कि एक दूसरे को समझें, एक दूसरे के साथ रिश्ते बनाएं, एक दूसरे के रिश्ते जो है मजबूत करें, और यही हमारा सबसे बड़ा मकसद होना चाहिए। इस तफरीक को छोड़ दें, कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन किस मज़हब से है, इन तमाम चीज़ों के अंदर। यहाँ पे भी जब आपने तकरीर सुनी तो उसका मकसद ये था कि हम अमन की बात करनी चाहिए, चैन की बात करनी चाहिए और हमें ये बात करनी चाहिए कि हम लोग इकोनॉमिकली एक दूसरे के साथ किस तरह से अच्छे प्रोग्राम कर सकते हैं, एक दूसरे कैसे करीब आ सकते हैं, चाहे वो तिजारत हो जाए, चाहे वो इकनॉमी हो जाए, चाहे और कुछ, बहुत सारे इन चीज़ों के अंदर जो है आगे बढ़ना चाहिए। और दोनों मुल्क जो हैं वो इस बात को फैलाना चाहते हैं, आगे लेके जाना चाहते हैं। और ये जो आज की जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, इस कॉन्फ्रेंस से मैं समझता हूँ एक अच्छा मैसेज जाएगा और दोनों मुल्क और करीब आएंगे और ये दूसरे जो मुल्क हैं वो भी मेरे ख्याल से कोशिश करेंगे हमारे साथ जुड़ने के लिए। किन किन लोगों ने इस प्रोग्राम में शिरकत की हिंदुस्तान की तरफ से और इंडोनेशिया की तरफ से? जो डेलीगेशन इंडोनेशिया की तरफ से भी आया, भारत के भी कई उलेमा इसमें मौजूद थे, कौन कौन लोग थे और दो उनके मिनिस्टर थे, हमारे भी मिनिस्टर के बराबर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर माने जाते हैं हमारे डोवाल साहब भी, तो ये तो दो अहम शख्सियतें थीं। इसके अलावा क्या है, वहाँ से एक 24 लोगों का डेलीगेशन आया, क्या नाम है, इंडोनेशिया से, उनके अंदर 5 तो उलमा थे और उसके अंदर से क्या है वहाँ पे हिंदू भी थे और बुद्ध भी थे और क्रिश्चियन भी थे जो आज की मीटिंग में आए हुए थे, और हमारे यहाँ से भी सब लोगों ने इस तरह से नुमाइंदगी करी है। तो आपस में एक दूसरे से मिल के जुड़ के बैठ के हम लोग काम करना चाहते हैं और इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर का ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ये कोशिश करता है कि सबको साथ लेकर चले। आपको मालूम है सारे से बात करने के लिए तो जाहिर सी बात है जिस तरीके से दोनों देशों के अलग अलग जो चाहे मिनिस्टर्स कह लीजिए या फिर जो डेलीगेशंस आया, आपस में एक डायलॉग होगा और उसको लेकर चर्चा इस बात की जाएगी कि दोनों देशों के जो संबंध हैं उसको और कैसे बेहतर बनाया जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट वसीम अकरम के साथ सैयद मुबशर, न्यूज़ वन इंडिया। वहीं दूसरी तरफ अगले साल होने वाले G20 समिट की मेजबानी भारत करने वाला है, जिसके चलते ये प्रोग्राम और अहम माना जा रहा है, जिसमें भारत और इंडोनेशिया के रिश्तों को और मजबूती मिलेगी। दिल्ली से सैयद मुबशर की।